डियर स्टूडेंट्स, मैं उमेश कुमार साहू स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड है, क्लास 12th बेस्ड है, ठीक है। यहां से कुछ कंटेंट हो सकता है कि पीएटी में आपसे पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, या अदर टाइप्स के एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो फिजिक्स पोर्शन से ये वाला इम्पोर्टेंस रखता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ये है माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी आपने पहले देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर आज आपको बताऊँगा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से पास की सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखा जा सकता है, अर्थात छोटी वस्तु को उनके बड़े इमेज के रूप में देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। आप समझ में आया, बहुत आसानी से देख सकते हैं, छोटी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं। प्रकाशिक यंत्र है। कैसे यंत्र है? प्रकाशिक यंत्र है, मतलब प्रकाश की सहायता से चलने वाला यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, सरल माइक्रोस्कोप जो होता है, इसका आप उपयोग बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी होगा, इसका उपयोग थोड़ा सा कठिन होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा सरल सूक्ष्मदर्शी की संरचना, उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, आवर्धन क्षमता के लिए हम सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं इत्यादि। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, इस माइक्रोस्कोप में पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको आज की इस वीडियो में सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। तो मैंने कहा अभी कि सिंपल माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर पहले बताऊँगा मैं आपको, संरचना। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका कोई विशेष स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने नॉर्मली देखे होंगे बच्चों के कंपास बॉक्स में एक छोटा सा लेंस जैसा रहता है, हैंडल रहता है उसका पकड़ने का, इसको तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। अगर आप घड़ी रिपेयर कराने गए होंगे तो वहाँ पर घड़ी साज के द्वारा जो छोटा छोटा लेंस आँखों में लगाते हैं उसको तो आपने देखे ही होंगे, ठीक है। तो वही साधारण सरल सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। तो ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, एक साधारण उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, यहाँ पर बनाता हूँ मैं, एक साधारण उत्तल लेंस होता है। ये उत्तल लेंस हो गया, क्या है, एक सिंपल सा उत्तल लेंस है ये लेंस, ठीक है, साधारण सा उत्तल लेंस होता है ये, ठीक है, जो कि किसी प्लास्टिक या धातु के छल्ले में कसा रहता है। ये हो गया आपका छल्ला या रिंग, ये जो छल्ला या रिंग होता है ये किसी प्लास्टिक का रहता है, ठीक है। ये किसी प्लास्टिक का रह सकता है या फाइबर का रह सकता है, फाइबर प्लास्टिक या किसी मेटल का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है। बीच में जो दिखाई दे रही है लेंस, इसके लिए एक हैंडल लगा रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, हैंडल आपने देखे होंगे इस प्रकार की संरचना में, ठीक है। ये एक हैंडल लगा रहता है, ठीक है, इस प्रकार का। इस हैंडल की सहायता से आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी, ये हो गया आपका हैंडल, और ये हो गया वो लेंस, उत्तल लेंस, और ये हो गया उसका फ्रेम जो कि फाइबर या मेटल का बना हुआ रहता है। इस लेंस को हम मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस, अर्थात आवर्धक लेंस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, आवर्धक लेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं रीडिंग लेंस। क्या कहते हैं, रीडिंग लेंस। अगर कोई पूछ दे ना कि रीडिंग लेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बात उत्तल लेंस के बारे में कर रहे हैं। कौन सी लेंस, उत्तल लेंस की, सरल सूक्ष्मदर्शी की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। घड़ी साज के द्वारा जो घड़ी के कल पुर्जे से संबंधित काम करते हैं, उनको छोटे चीज़ों को देखने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए, और स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी यूज़ के लिए, प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, इस प्रकार की लेंस का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आगे आता हूँ, और आगे ये है कि अब मैं बता रहा हूँ प्रतिबिंब रचना, ठीक है। प्रतिबिंब रचना के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस के
प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस फोकस व प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के मध्य, यहाँ पर मैं कोई थिंग्स रख दिया हूँ, ठीक है, ये हो गया थिंग्स, कोई वस्तु रख देते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रतिबिंब लेंस की तरफ आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है, जिस ओर वस्तु रखी जाती है उसी तरफ बनता है, ठीक है। तो ये जो सूक्ष्मदर्शी होता है अर्थात सरल सूक्ष्मदर्शी होता है इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। तो आइए मैं फटाक से आपको बताता हूँ कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, अर्थात नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इमेज फॉर्मेशन। क्या है? इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब रचना। आपने प्रतिबिंब रचना के नियम तो मेरे पहले वीडियो में देखा ही होगा, जिसने भी देखा होगा बड़े गौर से और ध्यान से उसको पता ही होगा। उस हिसाब से आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस होने जा रहा है सबके लिए। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें एक उत्तल लेंस लेते हैं, क्या लेते हैं, एक उत्तल लेंस, मान लो ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है, इसका नामकरण करते हैं, मान लो ये उत्तल लेंस है एल, ठीक है, इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक प्रकाशिक केंद्र खींचते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष खींचते हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, इसके सामने ये हो गया प्रकाशिक केंद्र ओ, और इधर मान लो एफ है, एफ और प्रकाश केंद्र के बीच यहाँ पर एफ है, एफ मतलब फोकस है, और यहाँ पर हम कोई वस्तु रखेंगे, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के मध्य कोई वस्तु रखते हैं, मान लो ये हो गया आपका वस्तु, ठीक है, वस्तु हो गया ए बी, मान लो ये वस्तु है, नामकरण करते हैं ए बी, क्लियर है, आप देख सकते हैं इसमें ए बी एक वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश किरण निकलेगी, ठीक है, एक प्रकाश किरण निकलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, आपतित होने के पश्चात जब लेंस से गुजरेगी मतलब अपवर्तित होगी, तो वो कुछ इस प्रकार से ऐसे निकल जाती है, और आपको पता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर से निकलती है, अगर आपको याद होगा जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वो प्रकाश किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है, मतलब ध्यान रखना कि दूसरा बिंदु जहाँ से निकल रही है प्रकाश किरण वो क्या है, फोकस है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते इसमें, ये जो प्रकाश किरण आगे निकल रही है, ठीक है, वहाँ से फिर दूसरा प्रकाश लेंगे, पहला किरण तो हो गया, अब दूसरा प्रकाश किरण की एक बात हम लोग करें तो दूसरा प्रकाश किरण जो होता है वो बिल्कुल ऐसे सीधा निकल जाती है, प्रकाश केंद्र से होकर निकल जाती है, तो आगे फैल रही है तो कहीं मिलन होना मुश्किल है, तो क्या करेंगे, इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जब इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसके क्रम में हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये लगभग इस तरह से ऐसे आएगा, ठीक है, मान लो ये ऐसे आ रहा है, ये इस प्रकार का, इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ऐसा ये बढ़ा दी हमने इस किरण को पीछे की तरफ, ठीक है, और इस किरण को भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, मान लो हमने ऐसा बढ़ा दिया, ठीक है, तो देखिए कहां पर मिल रहा है, ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये मिल रहा है वो बिंदु होगा, यहाँ पर वस्तु था ए बी, ठीक है, तो हमने एक बिंदु निर्धारित किए थे, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा था, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब देखो कहाँ पर बन रहा है, इस ओर बन रहा है, इसका कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रहा है, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, देखो अब इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा इसको ऐसे खींच देते हैं, तो ये हो गया ए बी, ए डेस बी डेस पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की दिशा में आभासी स्पष्ट और बड़ा बन रहा है, ठीक है, कहने का मतलब जब नेत्र, यदि नेत्र लेंस के हम समीप ले आए तो अगर हम इधर से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से वाच कर रहे हैं, यहाँ से वाच करिए, देख लीजिए, ठीक है, आपकी आंखें समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इन आंखों के द्वारा आप यहाँ से वाच कर रहे हैं,
जब आप देख रहे हैं तो आपको कैसा दिखाई देगा ये? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ पर होगी ओ ए डेज इक्वल टू डी। कहने का मतलब जब वस्तु की दिशा में आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उसके बाद कंडीशन ये कहता है कि यदि ये नेत्र लेंस के बहुत पास हो, लेंस के समीप हो, तो प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात ओ ए डेज, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ओ ए डेज बराबर होगा डी। क्लियर है? ओ ए डेज, ऐसा ओ ए डेज बराबर होगा डी। ये हो गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। क्लियर है? इस दशा में वस्तु ए बी और प्रतिबिंब ए डेज बी डेज दोनों का आंखों पर समान दर्शन कोण बनता है, ठीक है ना। इस स्थिति में आंखों पर समान दर्शन कोण बनता है। कैसे दर्शन कोण बन रहा है देख लीजिए आप। अब मैं दर्शन कोण बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें ये वस्तु के द्वारा बना हुआ ये दर्शन कोण इधर हो गया एक दर्शन कोण, ठीक है। ये जो दर्शन कोण है ये छोटा हो रहा है या छोटा दिखाई दे रहा है। और दूसरा दर्शन कोण आप देखने को मिलेगा यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब और आँख के बीच में। लेकिन मैं दर्शन कोण को ऐसा कहूँगा कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये होगा बीटा, और ये अंदर जो बन रहा है ये होगा अल्फा। बीटा अभी भी, ये जो एंगल बना है बीटा, ठीक है, ये जो बीटा बना है आपको किस एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल के अंदर दिखाई देगा आपको, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर दिखाई देगा। तो मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूँगा इसको, ठीक है। ये वस्तु है, यदि नेत्र लेंस के समीप है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ओ ए डेस होगी, ओ ए डेस बराबर डी होगी, ठीक है। इस दशा में ए बी और ए बी डेस ए डेस बी डेस दोनों आँखों पर समान दर्शन कोण बनाता है, ठीक है। मतलब ये दर्शन कोण जो बन रहा है ये बीटा होगा, क्या होगा, बीटा होगा, छोटा वाला अल्फा होगा। क्लियर है? अब ये कहता है कि इस दशा में जो इमेज बनता है वो स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन यदि हम लेंस को हटा देते हैं, लेंस को यहाँ से हटा दे तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेंस को हटा देंगे ना, क्योंकि हम बहुत पास आ गए हैं, याद रखिए हम बहुत पास आएंगे, लेंस को हटा देंगे तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कम दूरी पर हो जाएगी, ठीक है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कम दूरी पर होगी। अतः वस्तु को हम बिना लेंस के स्पष्ट देखने के लिए उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात कहाँ पर रखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात कहाँ पर रखेंगे, एडेस कोई किरण खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं बिंदु देता हूँ, ये सी दे देता हूँ इसको, ठीक है, इस जगह पर हमको वस्तु रखना पड़ेगा, मतलब ये यहाँ से कोण बना लेगा। क्लियर है? लेंस को हटा दिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कम हो गया, इसी स्थिति में आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। जब वस्तु दिखाई नहीं देगी का मतलब होता है कि वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए बिना लेंस के देखने के लिए। मतलब मान जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है यही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी थी, तो अब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब ए डेज सी पर बन रहा है। क्लियर है? इस स्थिति में जो वस्तु का आकार होगा वो प्रतिबिंब के आकार से छोटा होगा। इमेज देखने से समझ में ही आ रहा होगा आपको कि ये प्रतिबिंब का आकार देखो कितना बड़ा है, एंगल देखो, ठीक है, और ये वस्तु का आकार है, इसको मानो वस्तु चाहे इसको मानोगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये है और पहले से वस्तु यहाँ पर रखी गई थी जब लेंस है और वहाँ से देख रहे हैं तब की स्थिति में, ठीक है। इस स्थिति में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार से छोटा होगा, ठीक है ना। इस स्थिति में जो वस्तु का आकार है प्रतिबिंब के आकार से छोटा होगा, क्योंकि वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, आप देखो ये वस्तु है, मैंने कहा था ना ये वस्तु है, अब ये जो एंगल है इसको ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, इस एंगल को देखिए, ये होगा अल्फा, ठीक है। वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा से छोटा होता है। स्पष्ट है कि लेंस के उपयोग से वस्तु हमको बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। यदि हम वस्तु ए बी को लेंस के फोकस पर रख दें, यहाँ पर फोकस पर ऐसा सरका दें, तो आपको पता है प्रतिबिंब रचने के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है।
ये संरचना, ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आया होगा। मैं अब आपको इस बेस पे बता रहा हूँ आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है। आवर्धन क्षमता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए हम आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन कैपेसिटी आर पावर, एमपी मैं ऐसे लिखता हूँ, आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन पावर या मैग्निफिकेशन कैपेसिटी क्षमता, प्रतिबिंब द्वारा, ये जो प्रतिबिंब है इसके द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु का आंख पर बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कहते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, एम इक्वल टू मैग्निफिकेशन पावर को हम एम से दर्शाते हैं, तो एम बराबर यहाँ पर हो जाएगा प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ठीक है, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण अपॉन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, देखिए काफ़ी बड़ा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल को भी अगर आप कहेंगे तो बड़ा एंगल, तो ये हो गया बीटा, ठीक है, बीटा से हमने दर्शाया था प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण को बीटा, ठीक है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, वस्तु छोटा अल्फा, अल्फा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, द्वारक छोटा होने के कारण कोण छोटे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 10 बीटा, और मतलब एक अनुपात में लिखेंगे इसको 10 अल्फा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि कोण छोटा है, कोण कैसा है, छोटा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये बीटा अपन जो अल्फा है, बीटा देखिए किस ट्रायंगल में बना है, इस ट्रायंगल में बना है, ए ओ बी में बना है बीटा, ठीक है, समझ रहे हो। अर्थात 10 थीटा बराबर होता है लंबटे आधार, तो लंबटे आधार में क्या होगा, ए बी अपान, ए बी अपान ओ ए, क्लियर है, समझ में आया। और ये अपॉन है, ठीक है, तो अपॉन है, तो मैं इसके अपॉन में ही लिख रहा हूँ इसको, मेरे को ऐसा लिखना था लेकिन मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। 10 अल्फा में कौन सा ट्रायंगल है, देखिए 10 अल्फा में कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला 10 अल्फा में, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए डेस अपॉन ओ ए डेस, सॉरी ये 10 थीटा, तो ए डेस सी ऐसा लिखेंगे इसको, ए डेस सी अपान हो जाएगा ओ ए डेस, ओ ए डेस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सरल कर देता हूँ, इसको ऐसा लिख देता हूँ, ये डिवाइड है तो ये ऊपर जाएगा, तो फार्मूला के अनुसार ये इनटू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है ए बी अपान, ए बी अपान ओ ए इनटू, ऊपर चला गया, ये हो जाएगा ओ ए डेस अपान अपान ए डेस सी, क्लियर है, या इसी को हम लोग लिख सकते थे ए डेस सी, या सी ए डेस भी लिख सकते थे। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, दोनों को ध्यान से देखने पर हमको समझ में आता है ए बी और ए डेस सी, देखिए ए बी और ए डेस सी, देखिए ए ए बी और ए डेस सी दोनों बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है, देखो आगे जा रहा हूँ ना मैं, जब दोनों बराबर है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओ ए डेस अपान ओ ए हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ए बी बराबर है ए डेस सी के, ए बी बराबर है ए डेस सी के,
दोनों वस्तु है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है ना, ये मैंने डी लिख दिया है पहले से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इसमें मान रख दीजिए ये चल रहा है पूरा m इक्वल टू मैग्निफिकेशन पावर इक्वल टू आर कैपेसिटी इक्वल टू ओ ए डेज बराबर, देखिए ओ ए डेज बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है डी डी, चूंकि चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार वस्तु बाई तरफ रखी गई है लेंस के, इसलिए माइनस डी। ठीक है, और नीचे में लिखा है ओ ए, तो ओ से ए की बीच की दूरी अर्थात लेंस से वस्तु के बीच की दूरी यू, पहले मेन वस्तु यही है ना भाई, वो तो बात का है प्रतिबिंब वाला वस्तु, ये प्रतिबिंब वाला स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला। अब मेन मुख्य वस्तु क्या है, ओ ए है, ओ ए अर्थात लेंस से वस्तु के बीच की दूरी ये हो जाएगा यू, बाई तरफ है इसलिए माइनस यू चिन्ह परिपाटी के नियम से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसिल, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एम इक्वल टू। ठीक है, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपान यू। ठीक है, ये जो इक्वेशन मैंने बनाया है इसके जगह में आप सिंपल ऐसे ही बनाइए, ध्यान रखना डी अपान यू, एम बराबर क्या निकला डी अपान यू। ठीक है, हम इसको पहला समीकरण मानते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, और इसको मानते हैं यहाँ पर माने दूसरा, दूसरा समीकरण माने, तो आपको मिल गया यहाँ पर नया फार्मूला एम इक्वल टू डी अपान यू मिला। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जब ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है, याद रखना सरल सूक्ष्मदर्शी का, एग्जाम में अगर पूछे कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो आप शुरू में थ्योरी थोड़ा सा लिखेंगे, ये डायग्राम आप शो करेंगे, उसके बाद में ये बनाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, ये है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। ठीक है, अब यदि ये कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में स्पष्ट जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब उसका आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, अगर ऐसा कहता है तो वहाँ पर आपको अलग डिस्कवर करना है, तो वो करके मैं बता रहा हूँ, देखिए। ठीक है, अब स्थिति कंडीशन पहला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब लेंस सूत्र से, लेंस के सामान्य सूत्र से, आपको पता है लेंस का सामान्य सूत्र आप लोग छोटी क्लास में पढ़े, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू होता है, इससे हमको आगे काम करने हैं। ठीक है, तो अब इसमें उचित चिन्ह का हम अगर प्रयोग कर देते हैं तो ये हो जाता है इस फॉर वन अपान एफ उत्तल लेंस में वन अपान वी, जो वी मतलब होता है लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी वी, क्योंकि किस ओर बन रहा है बाई ओर बन रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा चिन्ह परिपाटी के नियम से। ठीक है, और ये माइनस बीच का वन अपान यू मतलब वस्तु की दूरी, अर्थात ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुआ, उचित चिन्हों के प्रयोग से, उचित चिन्ह प्रयोग से। ठीक है, समझ रहे हैं आप, अब क्या होगा, ये जो होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वन अपान एफ हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू वन अपान माइनस वी मतलब माइनस वन अपान वी माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस वन अपान यू हो गया, क्लियर है। लेकिन हम जानते हैं कि वी इक्वल टू डी होगा, यहाँ पर वी इक्वल टू डी, लेंस से प्रतिबिंब की बीच की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की बीच की दूरी डी है, अर्थात वी इक्वल टू डी, परंतु वी इक्वल टू डी क्यों, v इक्वल टू डी होगा क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होने के कारण हम इस फार्मूला में d का मान रख देंगे, मतलब v का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा वन, इसलिए वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान मतलब माइनस वन अपान डी प्लस वन अपान यू। ठीक है, अब इसको फिर साइड चेंज करते हैं, हम साइड चेंज अगर हम लोग करते हैं तो हमको मिलता है कैसे होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन एफ इक्वल टू यहाँ पर माइनस वन बचा रहेगा प्लस वन अपान यू हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको चाहें तो फिर से आप चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे देखिए, ये हो जाएगा डी अपॉन एफ है, इसमें हम साइड चेंज करेंगे,
साइड चेंज करके मतलब यहाँ पर फिर से तिरेक गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा साइड चेंज करने पर 1-5 तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा 1+d/f हो जाएगा। 1+d/f इक्वल टू d/u हो जाएगा। क्लियर है, साइड चेंज करने पर ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, हमने समीकरण 2 डिस्कवर किया था m=du अगर आपको याद होगा तो। समीकरण 2 में हमने क्या डिस्कवर किया था अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। समीकरण 2 देखो दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे में, यहाँ पर समीकरण d m=d/u ठीक है। इस m=d/u में मतलब m=d/u है इस मान को यहाँ पर रखेंगे ठीक है। अपन लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 2 से m का मान रखने पर कैसा मान रखेंगे, देखिए d/u = m मतलब ये हो जाता है m=1+d/f हो जाएगा। क्लियर है, m=1+d/f ये जो दर्शाता है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उसके लिए आवर्तन क्षमता का ये सूत्र है ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो अनंत पर बने, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब क्या होगा, u=f हो जाएगा। क्यों, आपको पता है प्रतिबिंब रचना के नियम के अनुसार कि जब कोई प्रतिबिंब अनंत पर बनता है का मतलब होता है वस्तु u f पर रखी है, फोकस पर रखी है ठीक है। अर्थात आप ऐसा कर सकते हैं और लिख सकते हैं आप ओ ओ बी इक्वल टू एफ, मतलब अगर हम वस्तु को ऐसा माने कि वस्तु अनंत पर रखी गई है अर्थात ओ बी इक्वल टू एफ। अगर ओ बी इक्वल टू एफ है समीकरण 2 में हम फिर यही मान रखेंगे अर्थात m=d/u जो होता है इसमें मान रखते हैं तो हमारा मान होगा d=u = f हो गया ठीक है। तो इसमें क्या है m=d/u था तो ये हो जाएगा d/f हो जाएगा। ये हो गया प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तब, कहने का मतलब जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है का मतलब वस्तु अर्थात u f पर होता है, फोकस पर होता है। क्लियर है, ये जो होता है m=d/f ये हमारी रिलैक्स्ड आई की अवस्था होती है कि स्ट्रेस कंडीशंस होती है ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनाना अधिक सुविधाजनक होता है ठीक है ना, प्रतिबिंब को अनंत पर बनाना अधिक सुविधाजनक होता है ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ठीक है। मैं नेक्स्ट डे फिर से बताऊँगा आपको किसी और सूक्ष्मदर्शी के बारे में, और उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता चर्चा कर लूँ इसमें, इसमें कुछ सीमाएँ होती है सरल सूक्ष्मदर्शी की वो बता देता हूँ आपको ठीक है। ऊपर कंटेंट के आधार पर इसमें क्या लिमिटेशन बनती है, तो लिमिटेशन ये होती है कि अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए लेंस की फोकस दूरी एक सीमा तक ही कम कर सकते हैं आप। कहने का मतलब ज़्यादा बड़े वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप एक सीमा तक ही फोकस के पास ला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ला सकते ठीक है, क्योंकि लेंस से प्रतिबिंब विकृत हो जाता है और कम फोकस दूरी के कारण होता है ऐसा ठीक है ना। कम फोकस दूरी रहने के कारण प्रतिबिंब विकृत हो जाएगा, मतलब आपको अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं देगा, प्रतिबिंब में अनचाहे रंग दिखाई देना शुरू कर देता है क्योंकि अकेला लेंस अवर्णक नहीं होता, एक सिंगल लेंस जो होता है वो अवर्णक लेंस नहीं होता, इसलिए उसमें रंगीन रंग दिखाई देना शुरू कर देता है। अगर बात करें हम उपयोग की तो इसके क्या क्या उपयोग है, भौतिक विज्ञान में वर्नियर को पढ़ने के लिए, वर्नियर कैलिपर्स तो आपने देखे ही होंगे ठीक है। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए स्लाइड्स को देखने में इसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स लोग। अगर आप ज्योतिषाचार्य है उनके पास कभी गए हुए हैं तो उन लोग देखना उनके हाथों में इस प्रकार का सरल सूक्ष्मदर्शी रहता ही है ठीक है। घड़ी साज अर्थात घड़ी का जो कार्य करता है, अंदरूनी हिस्से का जो काम करता है वो लोग इसी लेंस का उपयोग करते हैं ठीक है। तो मेरी तरफ से आप के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा। जय हिंद।